हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि उसी क्षेत्र में है कि आप अगर देखेंगे तो हम लोग की जब सरकार यहाँ बनी थी आई थी तो समय जो स्कूल से बाहर छूट जाने वाले बच्चे थे उनकी संख्या थी लगभग 12% से अधिक थी जो स्कूल जा ही नहीं पाते थे, चाहे गरीबी से हो चाहे पारिवारिक सामाजिक मजबूरी के कारण हो, वो 12.5% बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते थे। लेकिन आज मुझको बताते हुए आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के लोगों को कि आज वो प्रतिशत 1% से भी नीचे आ गई है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों संयोग से कोविड ने तो सबसे अधिक किसी क्षेत्र को प्रभावित किया है जी, मतलब पूरे स्कूली कुप्रभावित करना जो करते हैं तो वो शिक्षा का क्षेत्र है। और हम लोग ये घोषणा करने वाले थे कि अब कोई भी स्कूल जाने की उम्र का बच्चा आज स्कूल से बाहर नहीं छूट रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि जिसमें हमारे शिक्षक जनप्रतिनिधिगण सबका हमने कार्यक्रम बनाया था कि पूरे गाँव में डोर टू डोर जाके जो कोई स्कूल जाने की उम्र का बच्चा घर में नहीं रहे सब स्कूल जाए, ये कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। ठीक उसी समय कोविड आ गया, 2 साल से तो आप सब लोग देख रहे हैं। और ख़ास तौर से जो प्रारंभिक क्षेत्र जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय होते हैं उस क्षेत्र में तो आप देखेंगे तो स्कूल की संख्या देखिए लगभग 70,000 विद्यालय आज काम कर रहे हैं। पहले छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है जी वो उस पर अगर आप देखिएगा तो पहले वो 65-70 के बीच में हुआ करता था, आज हम लोग 45-47 के बीच में आ गए हैं। इतने शिक्षकों को हम लोगों ने पद सृजित करके उनकी नियुक्तियां की हैं। इसी तरीके से इतने हम लोगों ने आधारभूत संरचनाओं में विकास किया है कि जो पहले समझिए कि छात्र और वर्ग कक्ष मतलब स्टूडेंट और क्लासरूम का रेशियो था वो भी बहुत घट के पहले करीब 70 से ऊपर था 40-45 आ गया, जो हम लोग लगभग नेशनल एवरेज के पहुंच गए। तो इस तरीके से उस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है और उसके नतीजे भी सबके सामने आ रहे हैं। एक चीज़ हम बता दें कि हम संतुष्ट नहीं हैं, कोई हम अपने जितना हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है जो हम लोगों ने अचीव किया है ये हम लोग खुद इसे संतोषप्रद नहीं मानते, हमें अभी और भी आगे जाना है। लोग इसी सिलसिले में बात करते हुए एक बड़ा जो हॉट टॉपिक रहता है बिहार में कि शिक्षकों की भर्ती समय पे नहीं हो पा रही है, उसमें डिले हो रहा है, तो बिहार के लोग ये जानना चाहेंगे और खास करके जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप बताइए कि आपकी सरकार अभी क्या कर रही है। ये बड़ा प्रासंगिक मुद्दा आपने छेड़ा है जी, हम लोग खुद सरकार की तरफ से समय समय पर जो शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए और अभिभावकों के लिए भी बताते रहे कि चाहे प्रारंभिक शिक्षा यानी 1-8 की हो या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक 8 से लेकर 11 तक की हो 12 तक की हो, हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति का अभियान चला रहे हैं। और अभी तक पिछले ही महीने हमने 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है और अभी अगले फेज में हम लोग लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं। और जो अभी हम आरके सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि उन्होंने सरकार के कई सफल और प्रभावकारी नीतियों की चर्चा की, उसमें हर पंचायत में 1+2 विद्यालय खोलने की सही बात है, उन्होंने बहुत ही सही ढंग से उसका जिक्र किया कि शायद देश में कहीं इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम एक साथ नहीं उठाया गया होगा। हम लोगों ने 5,000 से अधिक मध्य विद्यालयों को जहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था हम लोगों ने माध्यमिक विद्यालय में उनको उत्क्रमित किया है जी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, बल्कि अब कोई सीधे माध्यमिक नहीं होता है, हम लोग जो माध्यमिक है उसको उच्च माध्यमिक यानी +2
और अभी पिछले महीने 17 तारीख को हम 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले थे। पता नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोगों न्यायिक हस्तक्षेप जो हो जाता है, जुडिशियल इंटरवेंशन जो होता है, उसके कारण हमारे हाथ बंध जाते हैं। हम लोगों ने तो ये नियुक्तियां जो अभी 42,000 हमने किए और 1,00,000 करने वाले हैं, वो भी रुकी हुई थी, न्यायालय में मामला पेंडिंग था। हम लोगों ने प्रोएक्टिवली विभाग की तरफ से लगातार कोर्ट से अनुरोध करते हुए, हमने तो लास्ट में यहाँ तक कहा कि भाई आप जिनको कहिए जैसे कहिए नियुक्तियाँ करने के लिए हम तैयार हैं, हमको लेकिन नियुक्ति करने दीजिए, आप जो फॉर्मूला बना दीजिए, जो क्राइटेरिया बना दीजिए, जो प्रोसीजर तय कर दीजिए। लेकिन कुछ आरक्षण से रिलेटेड बात है, हमने कहा इनको कहिए जैसे कहिए नियुक्तियां करने के लिए हम तैयार हैं, हमको लेकिन नियुक्ति करने दीजिए, आप जो फॉर्मूला बना दीजिए, जो क्राइटेरिया बना दीजिए, जो प्रोसीजर तय कर दीजिए। लेकिन कुछ आरक्षण से रिलेटेड बात है, हमने कहा कि आप कहिए तो उतना पद हम रिजर्व करके छोड़ देते हैं, बाकी पदों पर करने दीजिए। बहुत आरजू मिन्नत के बाद न्यायालय ने इजाजत दी, तो अभी 42,000 किया है। सब लोगों की इच्छा रहती है विजय चौधरी जी कि बिहार बाकी स्टेट के मुकाबले, जो दूसरे प्रोग्रेसिव स्टेट हैं, उससे मुकाबला हम कैसे करें, उसके लिए क्या रोड मैप है सरकार के सामने? देखिए, हमको तो हमने शुरू में ही कहा कि हम बहुत आगे बढ़े, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमें अभी बहुत दूर चलना है, खास तौर से जो हायर एजुकेशन है। अभी आरके सिंह जी भी कह रहे थे, और हम समझते हैं जितने अगर यहाँ स्कूल वाले लोग होंगे सबकी इच्छा होगी एक यूनिवर्सिटी खोलने की, आरके सिंह जी भी बोल रहे थे। और हायर एजुकेशन जो होता है, मूल रूप से वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तरह से अंतिम पड़ाव पर पहुँचते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के अंतिम छोर पे होते हैं, जहाँ से चाहे उनका अपना रेगुलर जीवन, शेष जीवन बिताने की दिशा तय होती है, हायर एजुकेशन या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन होते हैं। उस क्षेत्र में हमें और भी काम करना है, और इस बार उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। बाकी जो डिस्टेंस एजुकेशन है, हमारा जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से हम लोग 250 से अधिक ब्लॉक्स में यानी प्रखंडों में भी एजुकेशन सेंटर्स खोल रहे हैं, और बाकी धीरे धीरे सभी प्रखंडों को भी इससे आच्छादित करने की योजना है। इसलिए हम लोग लगातार इसमें आगे काम कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी कोई विद्यार्थी, चाहे गांव का हो, देहात का हो, गरीब हो, अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसको कोई परेशानी नहीं। निश्चित तौर पे जो भौगोलिक स्थिति है जिसकी चर्चा इन्होंने की, बिहार के लोग अवगत हैं, बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो भी जानते हैं इस बात को कि हर साल किस तरह से बारिश और बाढ़ की वजह से बिहार प्रभावित होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार की नीतियां हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर, सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है, नीतीश सरकार, क्योंकि जो सोशल सेक्टर है उसको लेकर नीतीश जी काफी आगे रहते हैं और लगातार बढ़ावा देने का काम करते हैं। आप हमारे साथ आए और बातचीत की, आपने दिल की बात रखी, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, चुनौतियां हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि तमाम लोग इनके लिए तालियां बजाएं, स्वागत करें।